आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश कोविड टीकाकरण के पहले चरण में देश में पहले स्थान पर। मुख्यमंत्री आज 40,000 से अधिक ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को देश के लिए आवश्यक बताया और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए वाहनों में लगे स्पीड गवर्नर की होगी सख्ती के साथ चेकिंग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के पहले चरण में अब तक कुल पंजीकृत के विरुद्ध 68.5% स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फ्रंटलाइन वर्कर को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज देकर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 5,99,000 स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि 18 और 19 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्कर का वैक्सीनेशन होगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का 20 फरवरी को मापअप राउंड होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि दूसरा डोज देने के लिए अगला चरण 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक करीब 92 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि कुल 91,86,757 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान टीके के दुष्प्रभाव का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 18 फरवरी को 40,000 से अधिक ग्रामीण पथ विक्रेताओं को उनके रोजगार की बेहतरी के लिए ऋण वितरण करेंगे। भोपाल में दोपहर 12 बजे वर्चुअली होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान योजना के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में चौथी बार हितग्राहियों को एक साथ ऋण वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में अभी तक 1 लाख से अधिक ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य जरूरतमंद पथ विक्रेताओं को राज्य शासन की गारंटी पर 10-10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देकर लाभान्वित किया जा चुका है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पथ विक्रेता व्यवसायियों को 10,000 रुपये तक बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराने में सहयोग करना, नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना और छोटे उद्यमियों को व्यापार व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहयोग देना है। योजना को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कामगार सेतु पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल के माध्यम से अभी तक 14,15,000 से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और विश्व भारती के रेक्टर जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। समारोह में कुल 2,535 विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करेंगे। विश्व भारती की स्थापना वर्ष 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। देश का ये सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत में निर्मित कोविड वैक्सीन की 25 देशों को आपूर्ति की गई है और जल्द ही विश्व के 49 और देशों में वैक्सीन भेजी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोविड से जुड़े विषय पर खुली चर्चा में भाग लेते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के सैनिकों को 2 लाख खुराक भेंट स्वरूप दी जाएगी। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वैक्सीन पर अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के तहत एन्नोर तिरुवल्लु मदुरई तूतीकोरिन रामनाथपुरम पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की अत्यधिक आवश्यकता है, जो भारत का भविष्य भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2030 तक तेल और गैस के आयात पर निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि तेल और गैस की मांग पूरी करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यात्री बसों के प्रभावी और सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने के निर्देश अपर मुख्य सचिव परिवहन को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाए। परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश स्तर पर चलाए जाने वाले 7 दिवसीय अभियान में संचालित यात्री वाहनों के परमिट की वैधता, बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट से भिन्न मार्ग पर चलने वाले यात्री वाहन, क्षमता से अधिक सवारी ले जाने वाले, भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में चलने वाली यात्री बसों की छतों पर सामान ले जाने, बीमा और टैक्स संबंधी प्रपत्रों की जाँच की जाएगी। इनमें से कोई भी कमी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्री वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की एक वजह वाहनों का निर्धारित गति से अधिक रफ्तार से चलना भी है। यात्री बस के ड्राइवर कंडक्टर अधिक सवारियों के लोभ में तेज गति से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे वाहनों की तेज गति दुर्घटना का कारण बनती है। उन्होंने कहा कि इस पर अंकुश लगाने के लिए यात्री बसों में स्पीड गवर्नर लगाए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देशित किया गया था। चेकिंग के दौरान अधिकारी स्पीड गवर्नर लगे हैं या नहीं, ये भी देखेंगे। भारत आज कोविड-19 प्रबंधन अनुभव विषय पर कार्यशाला का आयोजन करेगा। भारत सहित अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशल्स और श्रीलंका इस कार्यशाला में भाग लेंगे। भारत के स्वास्थ्य सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का शुभारंभ करेंगे। वे धुबरी फुलवारी पुल की आधारशिला भी रखेंगे और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। सीधी बस दुर्घटना का एक कारण बनी खस्ताहाल सड़क को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए रोड डेवलपमेंट के GM, AGM और RTO को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पन्ना में एशिया का पहला डायमंड म्यूजियम खुलेगा, इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। नर्मदांचल के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान नर्मदा जयंती का 2 दिवसीय महोत्सव आज से होशंगाबाद में शुरू हो रहा है। शिवपुरी जिले के जनपद पंचायत पिछौर में आज विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जाएगा। अशोकनगर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरने से फसलों को नुकसान की आशंका है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नया लोगो बनाया गया है और धार में चल रहे 5 दिवसीय बसंत उत्सव के दूसरे दिन कल मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश कोविड टीकाकरण के पहले चरण में देश में पहले स्थान पर। मुख्यमंत्री आज 40,000 से अधिक ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को देश के लिए आवश्यक बताया और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए वाहनों में लगे स्पीड गवर्नर की होगी सख्ती के साथ चेकिंग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।